हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी जरूर दबाएं और वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। समूचे विश्व में महामारी का रूप धारण कर चुकी कोरोना की बीमारी ने भारत को भी चपेट में ले लिया है, जिसे रोकने के लिए देश के प्रधानमंत्री द्वारा लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की जा रही है। लेकिन बुंदेलखंड के जनपद बांदा में इस जानलेवा बीमारी के प्रति प्रशासन सजग नहीं है। यही वजह है कि यहाँ हर व्यक्ति प्रशासन को कोस रहा है। यहाँ के अस्पताल में न तो मरीजों की ठीक से जांच की जा रही है, न ही सस्ते दामों पर मास्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मेडिकल स्टोरों में दवा के बजाय मास्क बिक रहे हैं, जिनके दाम मनमाने ढंग से वसूले जा रहे हैं। यहाँ कितने मरीज भर्ती हैं, किनका इलाज हो रहा है, कौन सा मरीज ठीक हो गया है, किसी तरह की जानकारी नहीं दी जा रही है। हम इस समय खड़े हैं सीएमओ साहब के बाहर और देखने वाली बात ये होगी कि देश में महामारी चालू है और मैंने जैसे कि यहाँ पर हमने पड़ताल करी जब बुंदेलखंड न्यूज की टीम ने, तो यहाँ के जो कर्मचारी हैं कि उन्होंने बताया कि हमारे लिए खुद ही सैनिटाइजर नहीं है, ना ही मास्क है हमारे लिए। सीएमओ साहब से जब हमने बात करी तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ पूरा पर्याप्त मास्क है और सैनिटाइजर है। बुंदेलखंड न्यूज के लिए अनवर रजा बांदा। मैं आपका आशीष जी, आप मास्क नहीं लगाए हो कोरोना पर्सन आप भूल गए हैं, वैसे लेके आते हैं डेली लगाते हैं, हम लोग तो मार्केट से लिए हैं, यहाँ से उपलब्ध नहीं हुआ। आप तो सीएमओ ऑफिस में काम करते हो? नहीं, तो यहाँ पर जो है तो वो 12 घंटे तक यूज होता है, जो मार्केट में मिला है वो वॉशेबल है, थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का है। हाँ। तो उसको हम लोग डेली धो देते हैं, धूप में सुखा देते हैं, पहन लेते हैं। किसी भी प्रकार का कोई इंतजाम यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है, जबकि सुनने में आ रहा है कि यहाँ का सीएमएस मास्क तक अपने कर्मचारियों को उपलब्ध नहीं करा पा रहा। और नहीं रही बात व्यवस्था की, तो जो जनरली व्यवस्था अभी तक चल रही थी वही व्यवस्था चल रही है, उस तरह के कोई भी एहतियात बरतने के लिए यहाँ पे कोई भी सुविधा दिख नहीं रही है और ना ही कोई स्पेशल इलाज हो रहा है, ना स्पेशल कोई जाँच की व्यवस्था हो रही है। पत्रकार ज्ञानेंद्र मिश्रा साहब हमारे साथ में, कई वर्षों से ये क्राइम रिपोर्टिंग कर रहे हैं और जिला अस्पताल को ये भली भांति जानते हैं। मैं इनसे बात करता हूँ कोरोना जैसी महामारी पर किस तरह से बांदा जिला अस्पताल के इंतजाम। जी बताइए पंडित जी, किस तरह से इंतजाम है, क्या क्या किया है बांदा जिला अस्पताल? मास और अधिकारी की क्या पोजीशन है? तो क्या इलाज हो रहा है और जांच होती है क्या? जनपद में अब तक आधा दर्जन मरीज आ चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग की माने तो सिर्फ 3 मरीज मेट्रिक कॉलेज में भर्ती थे, इन्हें भी आज स्वस्थ होने पर डिस्चार्ज कर दिया गया है। कई मरीजों की संख्या को लेकर भी भ्रांतियां हैं। कल जिला अस्पताल में 2 मरीज भर्ती किए गए थे, जबकि सीएमओ ने इन मरीजों के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी देने से मना कर दिया। संक्रमित मरीज को रखने के लिए जिला अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड बनाने का दावा किया गया, लेकिन यहां आने वाले मरीज को सीधे मेडिकल कॉलेज का रास्ता दिखाया जा रहा है। बताते हैं कि यहां डॉक्टरों की पर्याप्त संख्या न होने के कारण जिला अस्पताल को कोरोना से संबंधित मरीज को रेफर कर देता है। इस तरह देखा जाए तो यह केंद्र रेफर सेंटर बनकर रह गया है। बताया तो यह भी गया है कि यहां आने वाले मरीज को डॉक्टर या स्वास्थ्य कर्मी छूना भी मुनासिब नहीं समझते हैं। इस तरह के कई मामले संज्ञान में आए हैं, जब डॉक्टर ने बिना जांच के ही उन्हें मेडिकल कॉलेज रवाना कर दिया है। बता रहे हैं कि तुम बैंगलोर में रहते थे? जी, बैंगलोर से आए थे। यहाँ किसी तरह कोई इंतजाम नहीं है? जी नहीं। 5 दिन पहले मुंबई से आया हूँ तो मेरे को कुछ नहीं है, मेरे घर वाले बोलते हैं कि जाके खून चेक करवा के। हाँ। तो डॉक्टर बोले हैं कि इंजर्स कुछ नहीं होगा, तुमको कुछ नहीं है, खाली दूर रहकर खाना खाना है। अच्छा, यहाँ जांच नहीं की गई, किसी भी तरह कोई जांच नहीं की गई? किस गांव से आए हो? स्वास्थ्य विभाग इस जानलेवा बीमारी से बचने के लिए हाथ धोने के लिए सैनिटाइजर और मुंह में मास्क लगाने की सलाह दे रहा है। वहीं बांदा में स्वास्थ्य विभाग अपने ही कर्मचारियों को मास्क उपलब्ध नहीं करा पा रहा। कहीं रहते हैं? किस पद पे हैं भैया? चपरासी। कोरोना से बचने के लिए मास्क वगैरह नहीं लगाते आप लोग? मास्क जब मिलेंगे तभी तो लगाया जाए। सीएमओ ऑफिस का ये हाल है, मास्क सही नहीं है, दिए नहीं जा रहे। सीएमओ साहब क्या कर रहे हैं? पूछ लीजिए।
जबकि शासन द्वारा स्वास्थ्य विभाग को मास्क उपलब्ध कराए गए थे। उपलब्ध कराए गए मास्क गए कहां? सीएमओ कार्यालय व जिला अस्पताल में तमाम कर्मचारी बिना मास्क के घूम रहे हैं। इधर बाजार में मास्क व सैनिटाइजर की खुलेआम कालाबाजारी हो रही है। प्रशासन द्वारा सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी रोकने की बंदर घुड़की दी जा रही है, जबकि वास्तव में कालाबाजारी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहां बनने वाले मास्क 50 रुपए से लेकर 100 रुपए तक बिक रहे हैं। कमोबेश यही स्थिति सैनिटाइजर की है। मेडिकल स्टोर वाले इनकी मनमानी कीमत वसूल कर रहे हैं। 40 से 50 में मिलने वाला सैनिटाइजर ब्लैक में 200 रुपए तक बिक रहा है। आया था अपने जरूरी सामान खरीदने, लॉकडाउन का कोई भरोसा नहीं है, कितना हो जाए मैंने अपना सामान इकट्ठा कर रहा था। जी, और क्या क्या खरीदा? मास्क अभी आप मास खरीदने के लिए गया लेकिन बहुत महंगा मिल रहा है। कितना लगभग मिल रहा है? 40 रुपए, 50 रुपए, हर तरह के रेट है, सबके मन के रेट है। अच्छा, क्या कह रहे थे अभी आप? कह रहे थे अगर सरकार कोई मदद करती, खाली कहने से नहीं होगा ना, और जैसे पब्लिक के पास आके बांटते तो हमें अच्छा लगता। अब नहीं मिल रहा तो लड़ाई थोड़ी करेंगे सब। अभी विधायक जी की बात कर रहे थे। हाँ, विधायक जी बांटे, सांसद जी बांटे, बिल्कुल बांटना चाहिए भाई। वोट मांगने के लिए घर घर आते हैं, मास्क देने नहीं आए क्या? मेरा नाम भैया सुनील कुमार गुप्ता। सुनील जी, ये मास्क पहना है कहाँ से खरीदा आपने और कितने का? ये मैंने बाजार से खरीदा, पहले कह रहे थे 100 रुपए, फिर बात के लास्ट में 60 रुपए के दिया उन्होंने। अच्छा, क्या यहाँ की सरकारी मदद नहीं मिली है? कोई सीएमओ अस्पताल द्वारा कोई नहीं बांटा? कोई हेल्प किसी की भी नहीं हुई। हाँ, और शासन की तरफ से तो ये कि आप सिर्फ घर में रहो, ना खाना खाओ, ना दूध पियो, ना कुछ करो, सिर्फ घर के अंदर रह के ठीक हो जाओगे। सरकारी अमला क्या कर रहा है यहाँ का? सिर्फ हवा हवाई बातें कि आप घर में रहें बस। इस संबंध में जिला अस्पताल के सीएमएस का कहना है कि कोरोना बीमारी से निपटने के लिए 2 लाख का बजट आया था, जिसके मास्क और सैनिटाइजर के लिए ऑर्डर किए गए हैं। इस बीच जिला अस्पताल पहुंचने वाले कई मरीजों ने आरोप लगाया कि जिला अस्पताल में किसी तरह के इंतजाम नहीं है, जांच करने की बजाय वहां से मरीजों को टरका दिया जाता है। ये लोग घबराए हुए, लेकिन इनको अश्योरेंस दिया जा रहा है 14 दिन के अंदर जो मरीज ठीक है उनको कोई तकलीफ नहीं, उनको तुरंत होम क्वारंटीन के लिए भेज दिया जा रहा है। कितने मरीज भर्ती हैं आपके? हमारे यहाँ 3 मरीज भर्ती हुए थे आज तक, जिनको छुट्टी कर दी, उनमें किसी कोरोना नहीं पाया गया। कोई मरीज जनपद में हमारे अभी मरीज पॉजिटिव नहीं निकला। जी, सीएमएस बाहर से कोई ऊपर से आदेश वगैरह कुछ आए कि आप लोगों के लिए? आदेश निर्देश मिलता जा रहा है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा भी निर्देश मिल रहा है। तो क्या कोई यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के लिए मदद के लिए कोई कुछ आया है क्या? यहाँ की मदद के लिए जो है साफ सफाई पूरी जगह हो रही है और सीएमओ साहब के द्वारा जो है फॉगिंग वॉगिंग भी की जाएगी, जनता को पूरा जो है सूचना दिया जा रहा है। कहीं फॉगिंग नहीं हो रही पूरे जनपद में भाई साहब? किसी जनपद में तो छोड़िए, शहर में नहीं है फॉगिंग? शहर में नहीं है जी, ये तो सीएमओ साहब। अच्छा, और ब्लैक में बिक रहे हैं आपके मास्क? बिक रहे हैं, सैनिटाइजर नहीं कर पाएंगे हम तो। सैनिटाइजर मास्क हमारे पास चिकित्सा कर्मियों के लिए है, हमारे हॉस्टल स्टाफ के लिए हमारे पास पर्याप्त सैनिटाइजर मास्क उपलब्ध है। बाहर क्या हो रहा है, ब्लैक में कैसे बिक रहा है, इस बारे में तो मैं नहीं कह पाऊंगा, मांग ज्यादा थोड़ा हो ही जाता है। क्या बाहर क्या ऊपर से कोई पैकेज आया है? पैकेज कैसा? कोई धन वगैरह की यहाँ नहीं, कोरोना के लिए हमारे पास 2 लाख का बजट आया था साजो सामान के लिए, उसका हमने ऑर्डर भी किया है। हाँ, परंतु अभी आपूर्ति नहीं हो पा रही है। सैनिटाइजर हमें जरूर मिल गए हैं, सैनिटाइजर उसी में से हम लोगों ने सैनिटाइजर क्रैक किया गया है। और हमें N95 मास्क की और आवश्यकता है, क्योंकि अभी हमारे पास जो है 90 के करीब बचे हैं हमारे चिकित्सा कर्मियों के लिए। तो 2 लाख यूज कर लिया आपने? नहीं नहीं, 2 लाख नहीं यूज हुआ, ऑर्डर दिया गया, अभी सामान आपूर्ति नहीं हो पा रही है। इधर आज जिला अस्पताल का कमिश्नर व जिलाधिकारी ने पहुंचकर निरीक्षण किया और आइसोलेशन वार्ड पहुंचकर सब कुछ ठीक होने का दावा किया। जो कोरोना वायरस का जो थ्रेट है उसको कंटेन करने के लिए शासन द्वारा काफी सारे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं और हर अस्पताल में हम लोग आइसोलेशन वार्ड बना रहे हैं, ताकि जो भी इसमें सस्पेक्ट पेशेंट्स होते हैं या जो पॉजिटिव केसेज आते हैं उनको हम लोग क्वारंटाइन आइसोलेशन वार्ड में कर सकें। और उसी दृष्टिगत तैयारियां जायजा लेने के लिए आज मैं डीएम साहब यहाँ पर आए थे और उनकी तैयारी यहाँ पे भी ठीक है। अभी कोई ऐसे केसेस है नहीं जिनको हम लोग यहाँ पे रखें, पर तैयारी पूरी रहता है और समय से हम लोग क्विकली रिस्पॉन्ड कर सकें, इसलिए तैयारियाँ करना आवश्यक है। मैं मानता हूँ कि तैयारी हमारी अच्छी है और जो छोटी मोटी कमियाँ वो आज शाम तक पूरी करेंगे। आपको पता है कि देश में महामारी फैली हुई है, इस समय हम खड़े हैं बांदा के पद्माकर चौराहे में। देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर शासन और प्रशासन की तरफ से किसी भी तरह का कोई इंतजाम नहीं है। मैं बात करता हूँ कुछ लोगों से, यहाँ पर खड़े हुए हैं हमारे साथ में भैया, क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार। सुरेश जी, आप मास्क नहीं लगाए, इतनी भयंकर महामारी चल रही पूरे देश में, मिल ही नहीं रहे, जो मिल रहे हैं तो बहुत महंगे दाम पर मिल रहे हैं, मिल ही नहीं रहे पंखी।
मिल ही नहीं रहा है जी। और जो हम मान लीजिए जो 20-10 रुपए का वो 50-60 रुपए का बना बना करके दिए जा रहे हैं, सरकारी इंतजाम क्या है? इंतजाम कुछ नहीं, सरकारी इंतजाम किसी भी तरह के कुछ भी है। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम दिक्कत तो खैर अभी इतनी बांदा में नहीं है, लेकिन अगर थोड़ी सावधानी बरती जाए तो काफी जो है। कौन कौन सी सावधानी होनी चाहिए? मास्क वगैरह लगाना चाहिए, जब मास्क नहीं है तो आप तौलिया वगैरह मुंह में बांध लीजिए, काफी जो है मुंह ऐसे ओढ़े आप बाजार में लोगों का कहना है कि महामारी अभी ज्यादा नहीं है, स्थिति काबू में है, इसलिए हम लोग स्वतंत्र रूप से घूम रहे हैं। ऋषि जी आप दुकानदार हैं, किस तरह से आपका कल नुकसान हुआ आपका? नुकसान की कोई बात नहीं है, लेकिन ये जो है बंदी है बहुत सफल रही और मोदी जी ने बहुत अच्छा किया और मोदी जी का पब्लिक ने साथ दिया और जिंदगी में पहली बार ऐसी बंदी देखे ने। आपका रोना चल रहा है, आप लोग मास्क वगैरह नहीं लगाए, किस तरह से मदद होनी चाहिए यहाँ? यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई इंतजाम नहीं है और ये मार्केट में ये ब्लैक मिलते हैं 2 रुपए की चीज 50 रुपए में, 70 रुपए में, 80 रुपए में बिक रहा है मास्क। मजबूर आदमी नहीं खरीद सकता, नहीं लगा सकता, कोई कपड़ा बांध लेता है, कोई साफी बांध लेता है। हमारे साथ एक और दर्शक है, मैं उनसे बात करूंगा कि किस तरह से यहाँ पर महामारी फैली है और क्या इंतजाम रहे। आप महामारी चल रही है, आप तो मास्क भी नहीं लगाए, रुमाल भी नहीं बांधे, क्या कहना चाहते हैं? मास्क नहीं पा तो क्या दिया जाए? मार्केट में जाइए तो 200-250-300 रुपए का मास्क मिल रहा है, कहाँ से खरीदा जाए? और जो इंतजाम होते हैं सरकारी वो क्या है? कहीं नहीं मिल पा रहा, कोई इंतजाम नहीं सरकारी, किसी के पास भी कोई छू नहीं दे रही सरकार। हमारे साथ दाई खड़ी, दाई रुके कहाँ से आई है? दाई गोडी बाबा से आए, मुंह में कुछ लगाए नहीं है, कहे नहीं लगाया कुछ नहीं है। अच्छा ये क्या चल रहा है देश में इस समय? बस लगता सही मांदे है, क्या बीमारी कोई चल रही है? क्या पता है आपको कि किस तरह की बीमारी है? भैया आप मास्क लगाए हुए हैं, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं गरीब तबके हैं जो मास्क नहीं लगाए, क्या करना चाहिए ऐसे में राज्य गाँव को अधिकारी करना चाहिए? और आपके विधायक सांसद कहाँ हैं? ऐसे तो बहुत झंडा बांटते हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, उन्हें तो पूरा पब्लिक थोड़ा भी तैयार नहीं है, थोड़ा